Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सर अभी चिल्ड्रेन अस्पताल में आपने निरीक्षण किया है, किस तरह की खामियां पाई गई हैं? और क्योंकि एक एक बेड पर तीन तीन चार चार बच्चे लेटाए गए हैं, तो आज हमने यहाँ के जो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल निरीक्षण किया, यहाँ पे 7 वार्ड बने हुए हैं, 120 बेड हैं और 120 बेड में 140 की 170 मरीज आज भर्ती हैं। और ये डेली का यहाँ पे नियम है कि बेड से दुगुना डेढ़ा पेशेंट रहते हैं और सालों से चले आ रहे हैं। इन लोगों ने लिखा पढ़ी प्रयास भी किया कि बेड बढ़ाए जाए या ना बढ़ाए जाए, तो हमने जितने बेड है उसके अनुरूप ही भर्ती करने का निर्देश दिया जाए। फिर भी प्रयागराज में जनता को यह हॉस्पिटल बहुत पसंद है, यहाँ उनको रिजल्ट मिलता है, उनके बच्चे ठीक होके जाते हैं, तो इसी कारण आकर के ये भर्ती होते हैं। और डॉक्टर साहब निवेदन करते हैं कि हम एक बेड पे दो तीन रह लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे का यही इलाज किया जाए। और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, जितना रहेगी संख्या मरीज को मना नहीं करते ना हम लोग। अब कोई दूर से मरीज आ रहा है उसको कहते हम मना कर रहे, सबका बच्चा बीमार है, कहाँ रखा जाएगा, ये जाएंगे कहाँ से, कहाँ जाएंगे बच्चे। सबका इलाज करने की पूरी तरह से भरसक जो हम लोग जितना कर सकते हैं, पूरी मेहनत से हम लोग सुबह 24 घंटे यहाँ रहते हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट यहाँ रहते हैं और जितने मरीज आते हैं सबका इलाज किया जाता है, किसी को मना नहीं किया जाता है, क्योंकि मरीज इतना दूर दूर से आया वो जाएगा कहाँ। एक यही अस्पताल है बच्चों का, यहाँ एक बेड पे चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं, कोई जगह नहीं है। डॉक्टर लोग से बोलो तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ज़्यादा वो है तुमको तो लेके चले जाओ, हाँ ज़्यादा अगर जल्दी है या कुछ भी है तो देखते नहीं ठीक से, कोई जांच भी नहीं कर रहे हैं कि बस ग्लूकोज टांग दिए वो चढ़ता रहे। हम लोग ग्लूकोज की इंतज़ार करते रहें, तब ग्लूकोज से कोई क्या ठीक हो जाएगा सर, कोई ट्रीटमेंट ठीक से तो करना चाहिए सर। एक एक बेड पे भी कई बच्चे हैं, हाँ कई बच्चे हैं सर, बेड की भी व्यवस्था नहीं है सर यहाँ, इतने में पानी चढ़ाया सर तो बच्ची खत्म हो गई। इमरजेंसी में मैंने पर्चा बनवाया, इमरजेंसी में डॉक्टरों को देखना चाहिए, मैंने बच्ची को पानी चढ़ाया खत्म हो गई, क्या करें सर, इमरजेंसी में आना चाहिए केस, उसको भी देखना चाहिए। एक एक बेड पे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 5 दो तीन बेड देख रहे हैं सर जी, ना बेड तो आप लोग देख रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.